वही ग्वालियर डबरा के रामगढ़ मोहल्ले में नाले में एक भ्रूण का शव मिला। लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस रामगढ़ क्षेत्र में दुकानों पर लगे सीसीटीवी को देख रही है, जिससे स्पष्ट हो सके कि कौन व्यक्ति इस भ्रूण को यहां तक लाया और उसे नाले में फेंक दिया। इस संबंध में एसडीओपी विवेक शर्मा का कहना है कि नाले में भ्रूण का शव मिला है। भ्रूण 4 से 5 महीने का है। वहीं शहर के अस्पतालों में इसकी पुष्टि कराई जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डबरा के पास में रामगढ़ है, वहां पर जो है किसी ने फोन द्वारा सूचना दी कि एक नाली में नवजात शिशु भ्रूण पड़ा हुआ। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी डबरा व वहाँ की टीम ने जाके वहाँ पर देखा तो एक भ्रूण पड़ा हुआ था करीब 6 माह का, नाली में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेंका गया है। तो उस पर से मर कायम कर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम और उसकी जांच रिपोर्ट पर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।